Since we have talked about different aspects of informed consent, now it's important to discuss what could be the possible issues and challenges while administrating the informed consent to the population. The first one is language issues. The consent process should be conducted in a research language which is readable, understandable, and very easy to be comprehended by the participants. primary language to और वो कंसेंट फॉर्म को अंडरस्टैंड करके उसको वो उस पर निगोसिएशन कर सकते हैं लेकिन अगर वो उनके लैंग्वेज में नहीं है और उन्हें उसकी समझ नहीं आ रही तो इट नीड टू बी ट्रांसलेटेड इनटू देयर ओन लैंग्वेज ताकि उसको वो पढ़कर सही तरीके से अंडरस्टैंड करके साइन करें एंड इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड मे रिक्वायर इंडिपेंडेंट कन्फर्मेशन ऑफ़ द एक्यूरेसी ऑफ़ द ट्रांसलेशन अगर हम कोई रिसर्च किसी स्पेसिफिक पॉपुलेशन पे कर रहे हैं जो एक ख़ास ज़बान समझती है इवन वो मे भी किसी एक ख़ास जबान में से भी वो किसी स्पेसिफिकली uh, uh, उसके किसी एक का uh, जो है वो uh, टाइप को समझती है तो हमें उसको उसमें ही वो ट्रांसलेटेड वर्जन देना चाहिए जैसे लेट से अगर हम लोग बात करते हैं कि हम uh, पंजाब में एक रिसर्च कर रहे हैं और हम वो पंजाबी ज़बान में कर रहे हैं तो वो पंजाबी ज़बान जो है वो जिस तरीके से लिखी जाएगी वो वैसी होनी चाहिए जिसको ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स पंजाब में समझ सकते हो लेकिन अगर वो पंजाब में रहने वाले लोग उर्दू से वेल अवेयर हैं और वो अपना कंसेंट उर्दू ज़बान में ईज़िली दे सकते हैं तो हम उन्हें उर्दू ज़बान का क्वेश्चनियर भी दे सकते हैं इसी तरह लिटरेट और इलिटरेट लोगों के साथ हम जब काम कर रहे होते हैं और उनसे हमने वर्बल कंसेंट या वर्बल क्वेश्चनियर पूछने हैं तो वो भी उर्दू जबान में बनाकर पूछे जा सकते हैं या उसको आसान इंग्लिश में कम पढ़े लिखे लोगों के लिए हम देखते हैं कि मुमकिन नहीं है तो उसे भी उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया जाए तो ये पार्टिसिपेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसकी बेसिस के ऊपर हमें इसको बनाना है जैसे बहुत सारी स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जब रिसर्च करते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों से जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो ये रिपोर्ट करते हैं कि जब हम उर्दू में क्वेश्चनियर देते हैं तो बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि उनको इतनी अच्छी उर्दू नहीं आती और वो इंग्लिश में जब क्वेश्चनियर देते हैं तो उन्हें आसानी होती है ऐसी सिचुएशन में ये देखना चाहिए कि क्या हम सारे पार्टिसिपेंट्स को इक्वली कैटर करें मे बी हम उस क्वेश्चनअर के इंग्लिश और उर्दू दोनों वर्जन प्रिपेयर कर लें और वो हम अपने पार्टिसिपेंट्स पे एडमिनिस्टर कर लें देन कम्स द कल्चरल इशूज देर आर फ्यू कल्चरल डिफरेंसिस अदर देन लैंग्वेज सच एज कम्फर्ट इन आस्किंग क्वेश्चन फॉर इंस्टेंस इफ बी गोइंग टू आस्क सर्टन क्वेश्चन इन वन कल्चर दैट मे बी वेरी यू नो ईजी फॉर देम टू रिस्पॉन्ड ऑन दैट और अगर वही क्वेश्चन हम किसी दूसरे कल्चर में पूछते हैं तो वहाँ पर अगर वो प्रैक्टिस नहीं है तो वहाँ पर उस सवाल का जवाब देना लोगों के लिए थोड़ा सा एम्बेसिंग हो सकता है फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग प्रेयर की बात करते हैं नमाज की बात करते हैं तो हम एक मुस्लिम कल्चर रखने वाले जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप नमाज़ पढ़ते हैं तो सोशली डिज़ायरेबल यही है कि वो आपको रिप्लाई मिले कि जी हम पढ़ते हैं और अगर कोई आपको ऑनेस्टी से ये जवाब देना चाहेगा कि वो नमाज़ नहीं पढ़ता तो वो थोड़ा सा एम्बेरस भी फील करेगा कि ये सोशली डिजायरेबल नहीं है सो द रिलीजियस क्वेश्चन एट टाइम मे बी यू नो वेरी क्रिटिकल टू बी आस्ड इन डिफरेंट कल्चर इसी तरह अगर हम लोग किसी से कोई बहुत कंजरवेटिव uh, सोसाइटी में कोई क्वेश्चन पूछते हैं विमेन के लिबरल राइट्स के बारे में और हम उसको uh, किसी वेस्टर्न सोसाइटी में पूछते हैं तो उसमें भी हमें रिस्पॉन्स जो हैं वो डिफरेंट uh, तरह से देखने को मिल सकते हैं तो ये देखना कि किस कल्चर में रिसर्च कर की जा रही है उसके मुताबिक सवाल पूछे जाएं इसीलिए हम बहुत सारे क्वेश्चन को अडाप्ट करते हैं हम उनको मॉडिफाई करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनको इंडिजनसली डेवलप करते हैं फॉर एग्जाम्पल वाईल प्रोफिशेंट इन लैंग्वेज या रिसर्चर अ कम्युनिटी मेम्बर टू हेल्प विद कंसेंट प्रोसीजर बिकॉज पार्टिसिपेंट्स विल बी मोर पार्टिसिपेंटेबल विद डेट पर्सन यानी अगर कोई रिसर्चर किसी दूसरी कम्युनिटी से आया है तो वो कंसेंट फॉर्म के लिए कोई ट्रांसलेटर कोई लोकल कम्युनिटी का बंदा साथ ले लेता है जो कि पूछ रहा होता है कि आप इस रिसर्च को करने के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं दिस इज वेरी मच कॉमन अक्सर पार्टिसिपेंट्स को उस रिसर्च से कुछ इस तरह की तो वाबस्ता हो जाती हैं जो हकीकत में बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होती फॉर एग्जाम्पल फियर ऑफ बी ट्रीटेड एज एक्सपेरिमेंटल मॉडल अगर वो नाम सुनते हैं दे रिफ्यूज़ टू टेक पार्ट बिकॉज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल फ्रॉड एंड मिसकंडक्ट्स नोन टू दैम किसी रिसर्च में जब ये वर्ड पढ़ा जाता है कि एक्सपेरिमेंटल स्टडी तो पार्टिसिपेंट्स रिलेक्टेंट होते हैं कि वो उसमें पार्टिसिपेट ना करें क्योंकि मे भी उनको लगता है कि कोई हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए कोई ऐसा क्लिनिकल ट्रायल ना हो जाए जिसमें हमें कोई मेडिकेशन दे दी जाए या हमारे साथ कोई मिसबिहीव किया जाए और हमें क्लिनिकली जो है वो Uh, कोई एडवर्स रिएक्शंस जो हैं वो फ़ेस करने पड़े इवन जो स्टूडेंट्स हैं वो भी मोस्टली एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करने से थोड़ा सा आ, जो है वो अवॉइड करते हैं क्योंकि उन्हें भी ये लगता है कि शायद एक्सपर्टीज़ जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए बहुत सटल किस्म की होनी चाहिए जबकि इन रियलिटी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ भी केयरफुली बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की जा सकती हैं और पार्टिसिपेंट्स को भी उसमें पार्टिसिपेट करते हुए किसी भी तरह का कोई हार्म जो है वो फ़ेस नहीं करना पड़ता Then layered कंसेंट Sometimes पार्टिसिपेंट्स में नीड टू चूज अमंग सेवरल ऑप्शन फॉर एग्जाम्पल दे मे एग्री टू बी interviewed, बट दे do नॉट एग्री टू बी वीडियो And this is very much common. Or they want their real names to be used or not. This is also very common. So these options must be in separate lines and easy to select. सेलेक्ट यानी आप उनको मल्टीपल ऑप्शन दे सकते हैं कि आपकी जो इंटरव्यू है वो वीडियो टेप होगा या वो ऑडियो टेप होगा या वो पेपर पेंसिल से नोट डाउन किया जाएगा क्योंकि तो कुछ लोग वीडियो टेप की इजाजत नहीं देते लेकिन वो ऑडियो टेप में कंफर्टेबल होते हैं या वो कुछ लोग ऑडियो टेप की भी परमिशन नहीं देते और वो कहते हैं कि आप नोट्स ले लें वेर आर टेकिंग नोट्स वो उनको डिस्ट्रेस होता है वो कहते हैं आप बस रिकॉर्ड कर लें खाली सो दे आर द अ डिफरेंट वे एंड दे कैन इजीली चूज इज़ वींगल टू दैम एंड उसके अकॉर्डिंगली हम फॉर्म कंसेंट की सूरत में आने वाले इन चैलेंजेस को ईज़िली ओवरकम कर सकते हैं